देगा सर इसकी, और क्या आपकी मांगे हैं? हम लोगों का पूरा पैसा आरबीआई ने स्टक करके रखा हुआ पीएमसी बैंक में, आज 5 महीने हो गए पूरे, 23 डेथ्स हो गई हैं। आरबीआई कह रहा है कि ये घोटाला, जबकि ये घोटाला है ही नहीं। जिसने लोन लिया था 11,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उसने जमा कर रखी है, 4500 करोड़ का उसने लोन लिया है। आरबीआई खुद कह रहा है कि नहीं, उसकी काफ़ी एसेट्स हमारे पास हैं, तो फिर कहाँ घोटाला? आरबीआई उस एसेट्स को अपने पास रख के हमारा पैसा वापस करे। हम एक एक पैसे के मोहताज हैं, हमारे घरों में चूल्हा नहीं जल पा रहा है, हम अपना बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, मेडिकल बिल नहीं दे पा रहे हैं। 23 सीनियर सिटीजन की डेथ हो चुकी है, कहाँ सो रही है सरकार? ये बेवकूफ बना रहे हैं, इन्होंने जानबूझकर सबका पैसा स्टक करके रखा हुआ है। हर बार ऐसे दे देते हैं, जल्दी करेंगे। आज गवर्नमेंट के साथ आज आरबीआई गवर्नर की मीटिंग है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा तुरंत रिवाइव करे, हमें हमारा सारा पैसा वापस करे, अदरवाइज हमारे पास तो हम तो मरे हुए हैं। वो तो अपने हाथ कान सब बंद करके बैठे उनको मर रही है तो मरती रहे, उनको क्या फर्क? तो 23 डेथ्स अभी तक हो चुकी है, अब हम सबका नंबर है, धीरे धीरे करके हम मर रहे हैं, ये सरकार सोई हुई है, हमें जल्दी से जल्दी रिवाइव चाहिए, हमें खाने को बैंक मर्ज कर रहे हैं, मर्ज नहीं कर रहे। ये गवर्नमेंट की हेडेक है कि वो इसको मर्ज करे या कुछ भी करे। हमने आरबीआई लाइसेंस बैंक को पैसा दिया है, हमने कोई सड़क पर चिटफंड कंपनी को पैसा नहीं दिया है। यार इस बैंक को, पीएमसी बैंक को पिछले साल बेस्ट बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड किसने दिया? आरबीआई ने दिया। तब आरबीआई कहां सोई हुई थी? आरबीआई के ऑडिटर्स इसका ऑडिट कर रहे हैं, पिछले 8 साल से रेगुलर इसको नंबर 1 की रैंकिंग दी जा रही है। उन आरबीआई ऑफिसर्स को सस्पेंड करें जिन्होंने इसके ऑडिट में गड़बड़ करी है। हमारी हेडेक नहीं है, हमने गवर्नमेंट अथोराइज बैंक में हमने पैसा जमा करा है, आरबीआई का लाइसेंस है, हमने गवर्नमेंट को पैसा दिया है, आरबीआई को पैसा दिया है, हमें अपना पूरा पैसा वापिस चाहिए, हर हाल में पैसा वापिस चाहिए। सर आज की हड़ताल से अगर ये लोग नहीं जाते तो आगे क्या? कंटिन्यू रहेगी, हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। नहीं काम चलेगा, उनसे पैसे वसूलने चाहिए, उनसे सारे पैसे वसूलने चाहिए, ऑडिट करने जाते के लिए हमारा करते हैं कि हम लोग शाहीनबाग वालों की तरह जो है यहाँ पे आके बैठे सड़कें जाम करें। आप हमें इस चीज के लिए प्रोत्साहित करें। इकोनॉमी चरमरा जाएगी अगर हम टैक्स देने वालों का पैसा हमें आप वापस नहीं करेंगे, और पार्लियामेंट में ये कहेंगे 78% लोगों का पैसा दे दिया गया है, बाकी 22% का पैसा 93% इस बैंक के पास पड़ा है। ये सारे देश को पागल बना रही है गवर्नमेंट, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दे रही है। 78% को सब पैसा दे दिया है, केवल 22% लोग जो बाकी हैं और इनकम टैक्स पे करने वाले, एक एक पैसा हमने टैक्स का पे किया है, बड़ी ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा है, उसी पैसे से ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, मोदी जी को तनख्वाह मिल रही है, बाकी देश के संस्थाएं चल रही है। आप हमें ही मारोगे मोदी जी तो आपको कौन वोट देगा? आपके लिए कौन आएगा आगे? हमारे ही सिर पे आप विदेश में जा रहे हो, आपको तो पहले वीजा ही नहीं लगा था, हमने आपको वोट दे के जिताया है और आपको वीजा हर कंट्री का लगा है। आपको इज्जत मिली है तो हमारी वजह से मिली है, और हम आपके बहुत बड़े भगत हैं। अगर आप हमारी रक्षा नहीं कर सकते हो तो आप छोड़ दीजिए, इस्तीफा दीजिए। हमारी सरकार हमारे खिलाफ, हमारी सरकार हमारे खिलाफ। क्या कुछ मांगे हमारा सारा पैसा पीएमसी बैंक में जमा है, और आज मेरी उम्र 71 साल है, 71 ईयर्स है, और मुझे हर ट्रबल है, और 6 महीने के लिए केवल हमें 50,000 रुपया दिया गया। 50,000 से कोई काम नहीं चल सकता है, ना मेडिकल एड मिलती है। मैं अपनी स्वेच्छा मृत्यु के लिए सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दे रहा हूँ, और या मोदी जी या राष्ट्रपति मुझे परमिट करे कि मैं अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु कर सकूं। सर आपकी जो मांगे हैं, अगर इसको नहीं मांगे तो भूख हड़ताल पे बैठेंगे, जल्दी भूख हड़ताल पे बैठने का फैसला कर रहे हैं। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आपका ही पैसा आपको ही नहीं मिल पा रहा, कितनी समस्याएं हो रही हैं? भीख मांगने आ गए हैं आरबीआई के, कि हमारे पैसे, हम अपने पैसों के लिए भीख मांग रहे हैं। दिया भी चबेकर इतनी एफडीआई करा के हम लोगों के घरों में आज घर में खाने के लिए पैसे दिए, बच्चों की तरफ हमें देखना पड़ता है कि हमें 10 रुपए खर्चे के लिए दे दो, अपने पैसे हमारे मिल नहीं रहे। मेरे हस्बैंड हार्ट पेशेंट है, उनको दवाई चाहिए होती है हर महीने 5,000 रुपए की, कहाँ से देंगे? एक लिमिट रखी गई है कि इतना 50,000 में कैसे गुजारा करेंगे? कैसे गुजारा करेंगे? महीने के लिए मेरी बेटी की शादी हुई थी जून में, तो हमने किसी से उधार लिए थे पैसे, हमने सितंबर में उसको पैसे वापस दे रहे थे, इसको हमारी एफडी पूरी होनी थी, और उन्होंने 23 पर बैन लगा दिया। आज हम लोगों को उनके मुंह से फेस टू फेस बात नहीं कर सकते कि उनके पैसे कैसे वापस करें।
आपका पैसा ये आप सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल नहीं है हमारा पैसा सुरक्षित। आप एक बात सोचिए, ये कहते